गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज आप लोगों को नया चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में बताएंगे। यह नया चैप्टर आप लोगों के लिए होगा। इसके बारे में अभी तक आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, उस पर आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझाएंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या है इसको आप समझिए। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन राइट बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन शिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स between the side angles of a right angle triangle। Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a right angle triangle। Trigonometry जो है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल्स का रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप बताता है क्या संबंध होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे, और यह ट्रिगोनोमेट्री जो है वह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड का क्या रिलेशन होता है उसको शो करता है। ऐसे भी त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति, त्रिकोणमेट्री को त्रिकोणमिति, त्रि से तीन कोण मिति मेजरमेंट। अब यहां पर जो है त्रिकोणमेट्री रेशियोज, सिक्स त्रिकोणमेट्री रेशियोज होता है। तो व्हाट इज त्रिकोणमेट्री की रेशियो, त्रिकोणमेट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल
आर कॉल्ड त्रिकोणमेट्री रेशियो। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है वह त्रिकोणमेट्री रेशियो कहलाता है। देयर आर सिक्स त्रिकोणमेट्री रेशियो। यहां पर देयर आर सिक्स त्रिकोणमेट्री रेशियो। क्या होता है आपका साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए, कोटेंजेंट ए। अब यहां पर जो है सिक्स त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज होता है साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, आपको कोसेकेंट ए, सेकेंड ए, कोटेंजेंट ए, सिक्स त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज होता है। अब यहां पर सिक्स त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज या साइन का जो रिलेशन शो करता है उसको समझिए आप। नोटेशंस ऑफ त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज आर। साइन ए इज साइन ए, इच कॉस ए, टेंजेंट ए, इच टेन ए, कोसेकेंट ए, इच कोसेक ए, सेकेंड ए, इच सेक ए, कोटेंजेंट इच कॉट ए, कोटेंजेंट इच यहां पर कॉट ए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर एंगल बी जो है एंगल बी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। जिस एंगल का त्रिकोणमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करते हैं उसका एडजेसेंट साइड जो होता है वह 20 होता है और उस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वह आपका परपेंडिकुलर होता है। अब एंगल भी 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड एसी हुआ
तो एसी आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस एंगल ए हम ले रहे हैं इसी का त्रिकोणमेट्री रेशियो, तो इसका एडजेसेंट साइड यहां पर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या एडजेसेंट साइड हुआ तो यह आपका बेस हो जाएगा। उसके बाद एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी जो है वह आपका परपेंडिकुलर होगा। एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी है वह आपका परपेंडिकुलर होगा। यहां पर एंगल साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए यह आपका परपेंडिकुलर हुआ। साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर हुआ। अब सिक्स त्रिकोणमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टैन कोसेक्स त्रिकोण, तो साइन जो होता है वह आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब परपेंडिकुलर जैसे एंगल ए जो है यहां पर साइन ए एंगल ए का हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं, एंगल ए का त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, तो एंगल ए का अपोजिट साइड जो हुआ वह आपका बीसी हुआ, तो बीसी परपेंडिकुलर है और आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड जो एसी है वह आपका हाइपोटेनस हुआ और साइन ए जो हुआ वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। तो एक बात आप माइंड कीजिए कि जो आपका साइड परपेंडिकुलर है और आपका बेस जो है वह वेरी करता है, वह कांस्टेंट नहीं रहता है। अब जैसे एंगल ए दिया है तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड आपका ए बी हुआ, तो ए बी आपका एंगल ए के लिए बेस हो गया और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी जो है वह परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन जब एंगल सी पर जब हम आएंगे तो एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड बी सी हो जाएगा और अपोजिट साइड ए बी होगा, तो बीसी एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा और ए बी जो होगा एंगल बी के लिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, बेस और परपेंडिकुलर वह आपको एंगल पर डिपेंड करता है, एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल ए को दीजिएगा इसके लिए बेस ए बी होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा और जब एंगल सी आप लेंगे इसके लिए बेस बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी होगा और आपका जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है। तो आप देखें यहां पर सिक्स त्रिकोणमेट्रिक रेशियो जो है इसके बारे में देखिए, साइन ए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाय एच, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच, टेन ए
परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय पी कोसेक ए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर एच बाय पी सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस एच बाई बी कॉट ए बेस बाई बी बाई पी। अब यहां पर कॉट ए हुआ बेस बाई पर पेंडिकुलर बी बाई पी। अब इस पर आप ध्यान दीजिए साइन साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है इसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस तो साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर हुआ तो P by H, cos A बेस by हाइपोटेनस तो बेस को साइड एडजेसेंट टू एंगल A आपको by हाइपोटेनस B by H, tan A परपेंडिकुलर by बेस, cosec A हाइपोटेनस by परपेंडिकुलर, sec A हाइपोटेनस by बेस, cot A बेस by परपेंडिकुलर। अब देखिए कि साइन ए का अपोजिट कोसेक ए हुआ कॉस ए का अपोजिट कॉट ए हुआ सॉरी कॉस ए का अपोजिट सेक ए हुआ और टेन ए का अपोजिट कॉट ए हुआ। साइन का अपोजिट कोसेक कॉस का अपोजिट सेक टेन का अपोजिट कॉट। अब इसी पर आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। यह सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमेट्री में आपको इतना जानकारी लेनी है। सबसे पहले त्रिकोणमेट्री में इतना जानकारी आप लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसे सॉल्व करेंगे।